एक दिन पहले छोटी सी लड़ाई ने एक व्यक्ति की जान ले ली। ये दर्दनाक दिल दहला देने वाली घटना परवाणु में उसमें हुई जब दिल्ली से आए 6 युवकों की गाड़ी खराब हो गई और क्रेन ऑपरेटर मदन लाल को उनकी गाड़ी दिल्ली ले जाने के लिए बुलाया गया। क्रेन ऑपरेटर ने युवकों को किसी बात को लेकर बहस हो गई और ये बहस कुछ देर में बहुत ज्यादा बढ़ गई और युवकों ने गुस्से में आकर चालक को उठाकर खाई में गिरा दिया, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एक दिन पहले छोटी सी लड़ाई ने एक व्यक्ति की जान ले ली। ये दर्दनाक दिल दहला देने वाली घटना परवाणु में उसमें हुए जब दिल्ली से आए 6 युवकों की गाड़ी खराब हो गई और क्रेन ऑपरेटर मदन लाल को उनकी गाड़ी दिल्ली ले जाने के लिए बुलाया गया। क्रेन ऑपरेटर से युवकों की किसी बात को लेकर बहस हो गई और ये बहस कुछ देर में बहुत ज्यादा बढ़ गई और युवकों ने गुस्से में आकर चालक को उठाकर खाई में गिरा दिया, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस घटना का चश्मदीद के अनुसार खराब कार को क्रेन ऑपरेटर ने दिल्ली के युवकों की गाड़ी ले जाने से मना किया तो उन्हें इस बात में गुस्सा आ गया। इन युवकों ने कुछ देर तो चालक के साथ बहस की और बाद में हाथापाई में उतारू हो गए। फिर उन्होंने गुस्से में आकर चालक को खाई में फेंक दिया। घटना को अंजाम देने के बाद वहां से युवक फरार हो गए, जिसकी वजह से चालक गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे PGI रेफर कर दिया गया, जहां चालक ने दम तोड़ दिया, जिसके चलते युवकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। 20 और 21 जनवरी की इंटरवीनिंग नाइट को हमारे पास थाना परवानों में सूचना आई थी कि किसी व्यक्ति को ESI हॉस्पिटल में इंजर्ड कंडीशन में लाए हैं। इस पे जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ESI हॉस्पिटल में गया तो वहां पे एक मिस्टर राजन हैं जो कि बिहार के रहने वाले हैं और यहां पे ड्राइविंग का काम करते हैं। उन्होंने पुलिस के पास बयान दर्ज करवाया कि इनका एक दोस्त जिसका नाम मदन लाल है वो यहाँ पे क्रेन ऑपरेटर का काम करता था मिस्टर पुष्प बहल के पास, और कोई दिल्ली के 6 लड़के हैं जिनकी गाड़ी खराब हो गई थी परवानु में और उन्होंने वो गाड़ी दिल्ली ले जानी थी। तो रात को ये दोनों, जिसके मालिक ने इन दोनों को जाने के लिए कहा दिल्ली, तो जब ये गाड़ी लोड कर ली, तेल वगैरह उसमें भरवाया और ये चलने लगे तो गाड़ी में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया उस क्रेन में और ड्राइवर ने ये चीज जो लड़के थे उनको कन्वे की। इस बात पे इनकी आपस में बहसबाजी होना शुरू हो गई। जो लड़के थे उन्होंने इनके साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया और इसी झगड़े के दौरान जो ये क्रेन ऑपरेटर है मदन लाल, इसको उठा के नीचे 150-200 फुट खाई में फेंक दिया और वहां से वो ये घटना करके फरार हो गए। जो दूसरा लड़का है उसके साथ भी उन्होंने झगड़ा करने का प्रयास किया लेकिन वो वहां से भाग गया और उसने क्रेन का जो मालिक है उसको ये बात बताई। क्रेन का मालिक मौके पे आया और जो ये इंजर्ड व्यक्ति था इसको ESI हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से हमें इसकी इंजरी होने की सूचना प्राप्त हुई। इस पे पुलिस ने 307, 147 और 149 IPC के तहत केस दर्ज किया था। वहां से इसकी इंजरीज को देखते हुए इसको फर्स्ट एड देके PGI रेफर किया गया था। PGI में अनफॉर्चुनेटली पिछले कल 5 बजे के करीब मॉर्निंग में इसकी डेथ हो गई। तो इसमें अब 302 IPC सेक्शन जो है वो अट्रैक्ट की गई है और इसमें फोरेंसिक साइंस टीम का विजिट करवाया गया है स्पॉट का। सारे जो भी मौके पे एविडेंसेस थे उनको इकट्ठा किया गया है। जो गाड़ी है इनकी अक्यूज्ड की उसको पुलिस ने कब्जा में ले लिया है। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।